हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो का माध्यम से आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट एक प्रोफेशनल अकाउंट में है, लेकिन दोस्तों आप अपना प्रोफेशनल अकाउंट को पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं किस प्रकार से आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे, इसका क्या लेटेस्ट प्रोसेस होता है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, फटाफट जान लेते हैं और सीख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट में लॉगिन हो जाइए। जब होइएगा तो आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। आप कॉर्नर में देख सकते हैं आपके पास फोटो लोगो नजर आता है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका प्रोफाइल इंफॉर्मेशन होता है वो यहां पे शो हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे सबसे पहले बता देता हूं, प्रोफेशनल अगर आपका अकाउंट होगा प्रोफेशनल में तो उसका क्या पहचान होता है वो सबसे पहले समझ लीजिए, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं प्रोफेशनल अकाउंट का एक ही पहचान है, यहां पर नजर आता होगा प्रोफेशनल डैशबोर्ड, ठीक है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड का मतलब क्या होता है वो भी बता देता हूं। दोस्तों अगर आपका अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट हुआ होगा पहले से, तो दोस्तों आपका कितना फॉलोवर हुआ है, कितना आपका फोटो पर लाइक आया, कितना रीच हुआ है, सब कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड में क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे कितना फॉलोवर गेन हुआ है वो सब कुछ यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे सी ऑल पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे सो यहाँ पे सी ऑल पर मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद देख सकते हैं ओवरव्यू यहाँ पे दिखाया गया, जैसे अकाउंट रीच है मेरे अकाउंट तक कितना लोगों ने पहुंचा यहाँ पे दो नजर आता होगा। टोटल फॉलोवर यहाँ पे देख सकते हैं माइनस में हो चुका है, मतलब मेरा जो फॉलोवर है वो कम हो रहा है, ठीक है। देख सकते हैं इस प्रकार से आपका ओवरव्यू यहाँ पे दिखाया जाता है, ठीक है। मतलब आपने समझ लिया अगर आपका प्रोफेशनल अकाउंट में होगा तो उसका पहचान क्या होता है और यहाँ पे इसका क्या फायदा होता है वो भी आपने जान लिया, ठीक है। अगर आपको कन्वर्ट करना है प्रोफेशनल अकाउंट को पर्सनल अकाउंट में, उसके लिए ऊपर में देखिए थ्री डॉट लाइन नजर आता है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सबसे ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पर लिखा नजर आता होगा सेटिंग एंड प्राइवेसी, तो दोस्तों आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। अब दोस्तों नीचे जब आइएगा तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन नजर आता होगा फॉर प्रोफेशनल, जैसे यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, उसके नीचे यहाँ पर देखिए नजर आता होगा क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल, ठीक है। तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास इस प्रकार से ऑप्शन खुलकर आ जाता है। अब नीचे से तीसरे नंबर में देख सकते हैं लिखा नजर आता होगा, जैसे हाईलाइट कर रहा हूं यहां पे देख सकते हैं लिखा नजर आता होगा स्विच अकाउंट टैप, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहां पे दो ऑप्शन खुलकर आ जाता है, ठीक है। अगर आप अपना अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहां पर पहला ऑप्शन नजर आता होगा, या तो फिर अगर आप अपना अकाउंट को पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहां पर दूसरा ऑप्शन नजर आता होगा, ठीक है। तो सिंपल यहां पर आपको पर्सनल अकाउंट में ही कन्वर्ट करना है, उसके लिए यहां पर दूसरा ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहां पर स्विच टू पर्सनल अकाउंट यहां पर कन्फर्मेशन करने के लिए सिंपल सो यहां पे स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पर दोबारा सबको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट हो जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास एक मैसेज आ जाता है कि आपका अकाउंट पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद देख सकते हैं एक बार आपको रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश कर लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो पहले यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड नजर आ रहा था वो फाइनली यहाँ से हट चुका है, ठीक है। हट जाने के बाद जो आपका अकाउंट था प्रोफेशनल में वो यहाँ पे आप पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का एक फायदा बता देता हूँ। जैसे अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट पर्सनल अकाउंट में होता है उसे आप प्राइवेट करना चाहते हैं तो इजी वे में कर सकते हैं, लेकिन वही आपका अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट में होगा तो उसे आप प्राइवेट नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दी हूँ किस प्रकार से प्रोफेशनल अकाउंट को पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे। तो आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको जानकारी दी सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।